नाजरीन, इस वीडियो में हम पाकिस्तान की 10 लाख सालों की तारीख और तहजीबों का तारफ बयान करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ था। पाकिस्तान तो 20वीं सदी में बना, लेकिन पाकिस्तान की जमीन बहुत कदीम है। कदीम पाकिस्तान का तारीखी पस मंजर लाखों सदियों पर मुहित एक वसी जमाना है जो कई अदवार पर मुश्तमिल है, जिनमें नमाया जमानों की तरतीब कुछ इस तरह है। पत्थर का जमाना, कांसे का जमाना, आर्यन दौर, हखामंशी दौर, सिकंदर आजम का हमला, मौर्यन दौर, यूनानी अहद, सेतियन दौर, पार्थियन दौर, कुशान दौर, सासानी अहद, केदार केशान दौर, उन दौर, हिंदू अहिया का जमाना या शुमाली हिंदुस्तान की तकसीम, अरब हमला आवर और फतेह सिंध, सुल्तान महमूद गजनवी का हमला, शहाबुद्दीन गौरी का हमला, मुस्लिम हुकूमत का बाकायदा आगाज, मुगल हुकूमत का क्याम, बरतानवी दौर, पाकिस्तान का क्याम, इन तमाम अदवार में कदीम पाकिस्तान में कई तहजीबों ने जन्म दिया और अपने नकूब छोड़े। हर तहजीब का अपना एक खास पस मंजर और जमाना था। ये 10 लाख सदियों पर मुश्तमिल एक तवील तरीन तारीखी और माकबल तारीखी अदवार हैं। कदीम पाकिस्तान के इन तारीखी अदवार को 12 मुख्तलिफ तहजीबों में तकसीम किया गया है। सबसे पहली तहजीब जो न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की कदीम तरीन तहजीब जानी जाती है, वो हजरी तहजीब है। दूसरी माकबल अस हड़प्पा तहजीब और फिर पाकिस्तान की दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर शहरी तहजीब जिसे वादी सिंध की तहजीब कहा जाता है, आर्यन तहजीब, ईरानी तहजीब, यूनानी तहजीब, गंदारा की तहजीब, इसे बुद्ध मत की तहजीब भी कहा जाता है, हिंदू तहजीब, मुस्लिम तहजीब, इलाकाई और रियासती तहजीब, ब्रिटिश दौर और पाकिस्तानी तहजीब। हर तहजीब का जमाना एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये 12 तहजीबी अदवार भी मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम हैं। इन तमाम तहजीबी अदवार का इस मुतालिया में मुकम्मल जायजा लिया जाएगा जो कई हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। न सिर्फ हर तहजीब की मुकम्मल तारीख, उसका कल्चर भी बयान किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ इस तहजीब के जितने भी आसार कदीमा पाकिस्तान में दरियाफ्त हो चुके हैं उनको भी बयान किया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान की मुकम्मल तारीख और उसका तहजीबी वरसा एक ही जगह जमा हो जाएगा। Thank you.